हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आप एक साल से मुझसे बात करने के उसमें थे और आपने मुझको आकर यहाँ पे अंधेरा दिखाना था। यकीन जानिएगा, मैं आपकी अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ। अच्छा, अक्सर देखते हैं, हर वक्त नहीं देखते? नहीं, जब टाइम मिलता है मैं आपकी वीडियो कोई मिस नहीं करता। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा इतना बड़ा फैन और मुझसे अपनी शक्ल छुपा रहा है क्यों? नहीं, मैं उसमें रूंगा था, मैं लाइट ऑन करता हूं। हां ना, बत्ती जला लेना, सब सबकी बत्तियां में जला रही हैं सब रात के 11 बजे। फिर हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे सबको, रात की एक्सरसाइज। आप अकेले हैं कमरे में? जी अंकल, जैसा काम किसी ने किया। वाह जी वाह, ये तो आप वो लग रहे हो, क्या नाम है उसका, बंदे का, इंडियन एक्टर जो है, उसकी उस लड़की से शादी हुई हुई है, उसका भी नाम मुझे नहीं आता, देशमुख है, क्या नाम है उसका? हाँ कुछ देशमुख, हित्रिक नहीं, हित्रिक नहीं, आई डोंट नो उसका क्या नाम है। मगर हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, भावलपुर। अच्छा, और आपकी भी एज मुझे 20 साल की लग रही है, 20-21 साल ऐसी होगी। जी जी, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट इसलिए की कॉल के लिए कि आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी एक चीज माइंड ना कीजिएगा जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आप गलत ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, तो वो मैं नहीं जानता आपकी रीजन 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 क्या है, मतलब के कौन से गंदे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जी, कौन से गंदे अल्फाज? नहीं, मेरी बात का गलत ना लीजिए मायने। नहीं, मैं गलत नहीं ले रही, मुझे आप एग्जांपल दें ना, क्योंकि जो आपको शायद गलत लग रही हो शायद मेरे दिमाग में गलत नहीं हो, राइट? तो आप मुझे एग्जांपल दें। जी, जैसे अभी लड़का आपके साथ एक वीडियो कॉल पे था, तो वो बाबे की बातें और सेक्स की बातें, इस टाइप की बातें, तो मुझे तो सेक्स की बातें करना गलत बात है? सेक्स की बात करना गलत बात है? नहीं, देखें, बात सुने, मैं आपका यकीन जानिएगा बहुत फैन हूँ, आपकी हर वीडियोस लाइक करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप हमारा भी हक है ना, जो चीज हमें आपके अंदर अच्छी नहीं लगती हम आपको बताएं, आप अमल करें या ना करें वो आपका हक है, ठीक है। जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरी बात थी, वो मैंने आपको बताई है। हाँ, मैं दिल पे नहीं लेती किसी भी बात की, मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर कि कौन सी गलत बात थी, राइट? ये आपकी चीज बहुत मैं जो है नोट करता हूँ, अच्छी है कि आप टेंशन फ्री है। वो तो मैं, ये आपकी बहुत मुझे अच्छी लगती है। देखें, मैं ये समझती हूँ कि जो सेक्स है ना हमारे पाकिस्तान में या हमारे माशरे में, देसी माशरा जो है, उसमें सेक्स को अगर हम सेक्स बोल देते हैं तो लोगों के कानों से धुएं निकल, यू नो, क्योंकि उसको हमने शर्म और छुपा कर उसको ऐसा रखा है। हालांकि आपको पता है कि अगर सेक्स नहीं करें तो हम लोग यहाँ होंगे ही नहीं, कोई भी नहीं होगा, राइट? तो एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम उस पर बात करके लोगों को थोड़ा समझा दें और सिखा दें सही तरीके से, तो काफी चीजें माशरे में ठीक हो सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, मैं खुद पाकिस्तान में थी, मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई जब तुम छोटी हो अगर तुम्हें यहाँ कोई हाथ लगाए या तुम यहाँ कोई हाथ लगाए 5-6 साल की हो तो गलत है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मगर मैंने अपनी बच्ची को बताया है कि भाई अगर तुम्हें कहीं भी कोई प्राइवेट एरिया में हाथ लगाए तो वो गलत चीज है। इस चीज को नॉर्मल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे हैं जो घरों में सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, और बच्चा ये समझता है कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा या बताऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। ये लड़के भी होते हैं अब्यूज और लड़कियां भी होती हैं अब्यूज इसमें। So, ये हमने सेक्स को एक टैबू बनाया हुआ है, राइट? अब मैंने ये बात इसी वजह से रखी कि हमारे पाकिस्तान में हर जगह एक बोर्ड लगा होता है, मर्दाना कमजोरी, मर्दाना कमजोरी,
आप तो नहीं बात करते, मैं औरतों से बात करती हूँ। हमारी जो ख्वातीन है बहुत सारी पाकिस्तानी, वो अपनी मैरिज लाइफ में सेक्सुअली हैप्पी नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है किसी भी शादीशुदा कपल का साथ में रहना, कि आप कि जब तक सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी तब तक आप ज्यादा बने रहोगे। यहाँ पर दोनों पार्टीज की सेक्स लाइफ खराब हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल डिवोर्स, दे विल सेपरेट, राइट? सो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन पे बात करें। और इसको सिर्फ शर्म, और उस पर नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप जाकर इधर उधर लोगों के साथ सेक्स करना शुरू हो जाओ, अपनी वाइफ के साथ या उसकी क्या फीलिंग्स हैं, या उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट लोगों के दिमाग में, कानों में वो बात जाए तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो वही रहेंगे जो अभी तक चलते आए हैं सदियों से। समझ, आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आई इसमें। तो आप जैसे बता रही थी आप कनाडा से हैं, कनाडा में रहती हैं, जी कौन से शहर? जी मैं टोरंटो के करीब, अरीब करीब रहती हूँ। सही सही सही। और और आपकी फैमिली ठीक कुछ है? बेटी बेटी क्या चीज? आपकी ठीक है? आपकी मेरी फैमिली बेटी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? फिटफाट है। हाँ, वो फिटफाट अच्छा, है। अल्लाह आपको चले, मैं सलामत आगे रखे। बढ़ती हूँ। थैंक यू, फिर दोबारा आपसे बात करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर। यार मेरे मुंह भी बड़ी एक्सरसाइज हो गई है इतनी देर बातें कर करके। मैंने खुद सपोर्ट की जरूरत है? आप पेट्रियॉन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।